मैं तो इंजर्ड थी, लेकिन मेरी जो सारी जो सहेलियां थी जो मेरे सर्कल के अंदर जुड़े हुए उन सबको हमने आगे करा, तो हमने फिर ये बात, वो कह रही थी दीदी ये बात भी दबा दी जाएगी, हमने कहा कोई बात नहीं, इस बार हम इस बात को दबने नहीं देंगे, आप ऐसा करो इसे सोशल वायरल कर दो जो भी आजकल, क्योंकि मीडिया जो साथ दे सकता है वो कोई भी नहीं दे सकता, ना प्रशासन दे सकता ना पुलिस दे सकती। मैं साफ कहती हूँ पुलिस भी साथ नहीं देती, आज तक 20-22 सालों में कई बार पुलिस कंप्लेंट हुई है और हर बार कंप्लेंट को दबा दिया जाता है, जी इसी एरिया से हर बार दबा दिया जाता है, कहते हैं प्रूफ लाओ, प्रूफ कौन देगा, प्रूफ कौन देगा, जब हम जैसे, और आपने अभी देखा होगा मंगलवार को DCP और स्वाति मालीवाल को भी अंदर कैद कर लिया गया जो कि एक पहुंची हुई हस्ती है, तो आम आदमी की तो औकात ही क्या है, वो क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, हर बार इवन हम लोगों को भी जब वो लड़की जिसके साथ रेप हुई थी, जी हमने उसने और कुछ बोला कि और जी जी बिल्कुल, उसने कहा कि इस आश्रम के अंदर एक्चुअली में ग्रुप बनाए गए हैं 18 साल से नीचे की उम्र की लड़कियों का अलग ग्रुप है, 18 साल से 20 साल की उम्र की लड़कियों का अलग ग्रुप है, और उससे जो एजड जो औरतें हैं उनका अलग ग्रुप है, इनको आपस में मिलने नहीं देता, इन्हें ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, और उनके ऊपर एक एक हाई कमांड जो है इनकी ग्रुप की जो लेडी है वो नियुक्त कर रखी है ताकि ये अपने मन की बात किसी से शेयर ना कर सकें। जी बिल्कुल ग्रुप के अंदर है और ये काम होता है अंदर। आपको पता था यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ पता तो था, इसमें ये होता है कि इसमें ज़्यादातर ऐसे सब सुनने में आता है कि यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये आश्रम है तो यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है, तो इसमें कम से कम हफ्ते में 10 दिन में एक ऐसा होना चाहिए एक मीटिंग इसमें कि आम पब्लिक भी जा सके, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें देखने में यही आता है कि रात में यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं जिसमें सिर्फ लड़कियाँ आती जाती हैं, लड़कियाँ ही जाती आती हैं, ऐसे 12 से 3 बजे के बीच में जो भी गाड़ियाँ निकलती हैं वो हैं यहाँ पे आती जाती हैं, या कभी जेंट्स आते हैं तो अच्छे घरों से, खाते पीते घरों से ऐसे जेंट्स आते हैं, लेकिन बुजुर्ग कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। लड़कियाँ भी, लड़कियों की उम्र भी वही 35 और 20 के बाद 18 के 10 से, हाँ 35 से नीचे ही रहती हैं, 12 साल की ऐसे इस तरह से देखते हैं इसमें। 12 साल की भी लड़की? हाँ एक 12 साल की लड़की यहाँ से जाके कोर्ट में भी पहुँची हुई है, उसी के बाद उसी ने बताया है कि इसके अंदर में क्या क्या होता है और उसके साथ क्या हुआ। हमारे मोहल्ले वाले ने कह रहे थे यहाँ से कोई आदमी पुलिस वाले ने उठा लिया था, वो बोल रहा था इसके आश्रम के बारे में, और एक लेडीज है वकील है, वो कह रही इस आश्रम की मैं गारंटी लेती हूँ इसमें गंदा काम नहीं होता, और मैंने इसमें लड़कियां निकलती बढ़ती जाती भी देखी हैं, कम से कम मैंने 10-15 दिन वाले दिन मैंने सुबह दोपहर के टाइम 3 गाड़ी थी बंद शीशे से पर्दे थे, अब मैंने लड़की देखी है बड़ी सी बड़ी बूढ़ी सी दरवाजे पे हंस रही थी, ये भी देख रही है, मैंने कहा ना ये तुम भेज रहे हो ये लड़कियां ना कहीं सप्लाई कर रहे हो तुम लड़की को, तो हंस के ताली बजा के अंदर घुस गई आश्रम के अंदर। हाँ मैंने कहा था मैंने ये सही नहीं है, दुनिया के दूसरे की बेटी की इज्जत का सवाल है, ये दूसरे की बेटी है तो हमारी भी है बेटी, आश्रम की एक बूढ़ी थी उसको बोला था मैंने, तो मैंने कहा सही नहीं है तुम इससे धंधा कर रहे हो, मैंने कहा आज अल्लाह देख रहा है कभी ना कभी तो मैं माल लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी, तुम धंधा ये कर रहे हो गंदा, ये अच्छा वो नहीं है तुमके लिए,